सभी हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने करंट अफेयर्स से रिलेटेड पार्ट थर्ड पब्लिश किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला हिस्सा शुरू करते हैं इसका। और बिना कोई देर किए शुरू करता हूँ। आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यदि आपने एक बार भी इनको पढ़ा है और आपके पढ़े हुए में से आ रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन को करेक्ट करने का चांसेस है वो 100% रहेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि आप ज़रूर एक बार ज़रूर देखिए इसको। तो शुरू करते हैं। और ये देखिए, देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन 11 जुलाई 2020 को कहाँ पर किया गया, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इसका शुभारम्भ किया गया है। ठीक है, वो क्या है? पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत। कौन सी ई लोक अदालत है? उसका उद्घाटन किया गया था छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है वो देखिए आप, कि भारतीय मूल के किन दो अमेरिकी नागरिकों को कॉर्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने वर्ष 2020 के महान प्रवासी मीन्स 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया है? तो आपको दिखा दूँ मैं, ये सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी, ये दो लोग हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, इन दो को, ये क्या है, अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन किसके भारतीय मूल के हैं? इनको कॉर्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, किसने? कॉर्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 के महान प्रवासी बताया है, इस सूची में इन्होंने शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने 1 जुलाई 2020 को जारी अपनी एक रिपोर्ट में नेपाल को किस आय वर्ग की श्रेणी में रखा है? निम्न मध्य वर्ग में इन्होंने नेपाल को रखा है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, चीन ने अपने किस वाणिज्यिक उपग्रह का प्रक्षेपण सिचुआन स्थित सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 9 जुलाई 2020 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से किया, तो उसका नाम है एपस्टार 60। ये क्या है? ये एक उपग्रह है। कौन सा है? कमर्शियल उपग्रह है इसका, ये ध्यान रखिएगा आप, कमर्शियल उपग्रह है। इसका लॉन्च सेंटर कौन सा था? सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इन्होंने इसका प्रक्षेपण किया था। और ठीक है, कौन से रॉकेट से किया? लॉन्ग मार्च 3B कैरियर से। तो आपको इसमें ध्यान जिस हिसाब से याद रखना है, यहाँ 3B कैरियर रॉकेट है, यहाँ 6D, ये ध्यान रखिएगा, डबल हो गया। और उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा उपग्रह था, ये कमर्शियल उपग्रह केवल यही छोड़ा गया था, इसलिए इसका पहुँचा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, एप स्टार नाम से। और ये कहाँ स्थित था? सिचुआन में स्थित है सिचांग। इसके नाम ऑब्वियसली चाइना के, उस चाइना के जैसे ही हैं कि सिचांग सैटेलाइट सेंटर है, और वहाँ कहाँ स्थित है? सिचुआन में स्थित है, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था। डेट इसकी 9 जुलाई 2020, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती है। अगला देखिए, अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना का शुभारंभ 18 जुलाई 2020 को किया? ध्यान रखिएगा कि ऑब्वियसली अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है, तो इस योजना का किसने किया ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, कब किया ये भी ज़रूरी है। और कौन सी योजना थी? वो है नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है किसने? योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई को, और गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं किस फुटबॉल क्लब ने 34वें ला लीग चैंपियंस मीन्स स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था? वो है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने, एक फुटबॉल क्लब है, इन्होंने स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट जो होता है उसका नाम है 34th सेशन था इसका, ला लीग चैंपियंस का 34वां संस्करण खेला गया था, और उसका ये रियल मैड्रिड ने, इन्होंने जीता है। तो ये ध्यान रखना है, पूरी बातें वापस पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत के वह चुनाव आयुक्त जिन्हें एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो पहली बात ये कौन है? चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, कहाँ के? भारत के। इन्हें क्या किया गया है? एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका नाम है अशोक लवासा। अशोक
लवासा, ठीक है, तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्तांबुल स्थित किस संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय 10 जुलाई 2020 को सुनाया। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि उन्होंने बोला है, अभी एक नाम नहीं लेना चाहता, अयोध्या मुद्दे पर भी इसी का नाम आया था, हागिया सोफिया भूल गए क्या। तो ये इसीलिए बता रहा हूँ कि हागिया सोफिया संग्रहालय है, इसको वापस मस्जिद में बदलने का निर्णय दिया गया है तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ये हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, इस्तांबुल में स्थित है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये निर्णय भी उसी टाइम आया है जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी, उससे एक महीने पहले लगभग। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि WHO से आधिकारिक तौर पर कौन सा देश अलग हुआ है, उसका नाम है अमेरिका। विश्व बैंक ने नेपाल को निम्न मध्य वर्ग श्रेणी में रखा है। चीन और ईरान के बीच $400 बिलियन का समझौता हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हांगकांग स्वायत्तता कानून पर हस्ताक्षर किया गया है। हांगकांग चाइना के अंडर में आने वाली एक समस्या है, देश है उसका, एक समस्या है, तो उस पर उन्होंने थोड़ा अमेरिका ने इंटरफेयर किया है, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित किया है। प्रत्यर्पण संधि किसके साथ थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 की रिपोर्ट इन्होंने जारी की है, ठीक है, ध्यान रखना है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वली, कौन है, तहरीक ए तालिबान ये है, और पाकिस्तान के नेता है मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। चीन का मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान Tianwen-1 प्रक्षेपित किया गया है। मैंने पिछली बार भी बताया था ये कि Tianwen-1 चीन का है और मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्ष यान भेजा गया है। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड किसका है, साउथ कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड लॉन्च हुआ है। UAE का मंगल मिशन होप किसका है, UAE वहाँ पर ये होप का मंगल मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके बाद आप देखिए इसरो अगस्त 2020 में ब्राज़ील का उपग्रह लॉन्च करेगा, ठीक है। इसके बाद चीनी कुआईझोऊ 11 वाणिज्यिक रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया है, जबकि एक उसका सफल प्रक्षेपण हुआ है, वो आप देख सकते हैं। Aptar-6D दूर संचार उपग्रह है, ये वाणिज्यिक उपग्रह है जो दूर संचार के लिए काम करेगा, इसका प्रक्षेपण सफल हुआ है, जबकि कुआईझोऊ 11 का प्रक्षेपण विफल हो गया है। ये रॉकेट था, वाणिज्यिक रॉकेट, इसका विफल हो गया है और जो उपग्रह है उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जारी हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में जारी किया गया है। भारत और अफगानिस्तान ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु समझौता ज्ञापन दिया है। भारत यूरोपीय संघ आभासी, ठीक है, का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। कब हुआ है इसकी डेट आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ये सभी ब्रीफ में अभी बता रहा हूँ। भारत और भूटान के मध्य, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि जल विद्युत परियोजना का समझौता किस किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और भूटान, ठीक है। 15वां शिखर सम्मेलन किसके बीच में हुआ है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, जिसको ऑब्वियसली मोदी जी ने भी एड्रेस किया था, ठीक है। भारत और भूटान के मध्य नया व्यापार मार्ग खोला गया है और साइबर सुरक्षा के लिए भारत और इज़राइल के मध्य समझौता हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है किसके बीच में किस चीज़ का समझौता हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से कुछ नए अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।